पंत ठेंगड़ी ने भारत के मजदूरों के साथ ही विदेश के मजदूरों की भी लड़ाई लड़ी थी। आयोजित किए गए कार्यक्रम में महापौर प्रमिला पांडे, चीफ पोस्टमास्टर मनोज मिश्रा ने दीप प्रज्वलित करके ठेंगड़ी जी के फोटो पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भारतीय डाक कर्मचारी मजदूर संघ की प्रांतीय मंत्री संगीता सिंह ने बताया कि किसान, छात्र, श्रम सहित अन्य संगठनों के हक के लिए ठेंगड़ी जी ने आवाज उठाई थी। देखिए, हमारे भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक श्री दत्तोपन ठेंगड़ी जी हैं, जिन्होंने बहुत समाज के लिए, बहुत राष्ट्र ऋषि हैं हमारे देश को, उनको उपाधि दी गई थी। उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ किया है। कई सारे संगठन खड़े किए हैं, जिसमें से प्रमुख रूप से भारतीय मजदूर संघ अपने विश्व में एक अच्छा स्थान रखता है और भारत में नंबर वन पे है। और उन्होंने जैसे कि कई ऐसे मंच खड़े किए हैं, जैसे किसान मंच है, स्वदेशी जागरण मंच है, सर्वधर्म समादर पंथ मंच है, इस तरह से कई संगठनों के वो संस्थापक सदस्य हैं और पूरी जिंदगी वो अपना आरएसएस से जुड़े रहे, स्वयं सेवक प्रचारक रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो एक राष्ट्रभक्त थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। विदेशों में भी इन्होंने अपने परचम से अपने मजदूर भाइयों के लिए, अपने देश के लोगों के लिए, कर्मचारियों के लिए उन्होंने वहां पर भी अपना प्रतिनिधित्व किया है। बदलते मौसम से कोरोना महामारी की रफ्तार तेज गति से